प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर से मिली जानकारी के अनुसार 17 से 25 अक्टूबर तक महोत्सव मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ नवरात्रि के प्रथम दिन 17 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ होगा। 23 अक्टूबर को निशा पूजा और हवन के बाद 25 अक्टूबर को कुंवारी कन्या पूजन और कन्या भोज का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसी दिन सुबह शक्ति व नाथ पंथ की पूजा के बाद शाम को परंपरागत रूप से अस्त्र शस्त्र के साथ गोरक्षपीठाधीश्वर का भव्य जलूस निकाला जाएगा, जो मानसरोवर मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद श्री राम दरबार के आरती के साथ संपन्न होगा। उसी दिन शाम को मंदिर में सहभोज का भी आयोजन किया जाएगा। फिलहाल इस बार कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यक्रम को संक्षिप्त कर दिया गया है। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण गोरखनाथ मंदिर के यूट्यूब और फेसबुक पर किया जाएगा। इस संबंध में पूर्णी से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर कार्यालय के सचिव द्वारिका तिवारी ने बताया। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में विजयदशमी महोत्सव उल्लास के साथ 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर 25 अक्टूबर को प्रातः परम पूज योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा मंदिर में सभी देवी देवताओं का पूजन तथा कुंवारी कन्या का भोज, तिलकोत्सव, ये सारे कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। सायं 4 बजे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज रथ पर बैठकर मानसरोवर में जाकर पूजन तथा रामलीला मैदान में भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का पूजन होगा। ये सारे कार्यक्रम महामारी कोरोना को देखते हुए संपन्न किया जाएगा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि भीड़ भाड़ को देखते हुए इस कार्यक्रम में भाग लें। एक सारे कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर के फेसबुक तथा यूट्यूब पर प्रसारित किया जाएगा, जो अपने घरों में बैठकर ही देख सकते हैं।